बात कर रहे हैं मोरप्पन लैब की। आज के दिन की बात करें तो स्टॉक में हमको 3% के ऊपर की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। मार्केट में बड़ी गिरावट थी, ब्लड बाथ आज के दिन हमको देखने के लिए मिला था। भारी गिरावट हमको मार्केट में देखने के लिए मिली, जिसका रीज़न तो हम आपको पता होगा। अब हम उसमें नहीं जाते हैं, सीधा अपने चार्ट पर आते हैं, इसके एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा नीचे की ओर हमने 84 के सपोर्ट को मेजर सपोर्ट के तौर पर डिस्कस किया था। इतनी बड़ी गिरावट आज के दिन मार्केट में थी, मोरप्पन लैब भी 3% के ऊपर की गिरावट के साथ क्लोजिंग दिया है। लेकिन इस क्लोजिंग के साथ, इस गिरावट के साथ चार्ट पैटर्न पे देखो दोस्तों, स्टॉक ने अपने 84 के लेवल को, सपोर्ट लेवल को अब तक ब्रेक डाउन नहीं किया है। मतलब 84 के लेवल पर बड़े बायर्स बैठे हुए हैं जो माल उठा रहे हैं, और बड़े पिलर्स है जो एग्ज़िट के लिए तैयार भी नहीं है, जो अपनी पोजीशंस को होल्ड किए हुए। ये भी दूसरी वजह है जिसकी वजह से हमको बड़ी गिरावट देखने के लिए नहीं मिली। हालांकि आज के दिन में बेयर जो थे हावी होते नज़र आए थे मार्केट पर, बड़ी गिरावट देखने के लिए मिली, बड़ी सेलिंग दिखाई, लेकिन मोरप्पन लैब में हमको उतनी बड़ी सेलिंग नज़र नहीं आ रही है। 84 के सपोर्ट पर स्टॉक सपोर्ट लेकर काम कर रहा है, ब्रेक डाउन कर जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट 80 का लेवल, और फिर सबसे आखिरी सपोर्ट रहेगा ये जो लो है 75 का लेवल। जब तक इसके ऊपर है अपसाइड के फिर चांस बने हुए, ऐसा भी कहना फिर उसके बाद गलत नहीं होगा। अब अगर स्टॉक यहाँ से बाउंस बैक करता है तो जहाँ से रिजेक्शन लिया था 92 का लेवल, इस लेवल को ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर क्लियर कट ये बड़ी उड़ान का सिग्नल रहेगा। उसके बाद लगातार फिर बड़ा अपसाइड मोरप्पन लैब हमको दिखा सकता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट रहेगा 92 के लेवल का ब्रेकआउट। जब तक इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं करता तब तक बड़ा मोमेंटम मोरप्पन लैब में आना मुश्किल है। इसके ब्रेकआउट के बाद फिर जो मेजर रेजिस्टेंस फेस करेगा 100 के लेवल पर करेगा। अगर 100 के लेवल से बड़ी सेलिंग नहीं आती तो फिर इस लेवल का भी ब्रेकआउट दिखा सकता है, फिर और अपसाइड मोरप्पन लैब में देखने के लिए मिल सकते हैं। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।